तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑन अ न्यू डे न्यू ब्लॉग। आपका भाई आपके साथ। तो आज आपका भाई लेके आया आपके लिए नई बाइक का रिव्यू। आज की जो बाइक होने वाली है वो है हमारे पास में यामाहा की पॉकेट रॉकेट द बीस्ट और द ब्लैक पैंथर, या ये कह लो नेकेड सीरीज में यामाहा की तरफ से पेश की जाने वाली द बेस्ट बाइक। तो ये है हमारे पास में 155 सीसी का पॉकेट रॉकेट। हैव द लवली मॉन्स्टर विद अस दैट इज MT15 वर्जन 2। तो भाई ऐसा लग रहा है ना इसको देखकर, यहाँ से अगर आप देखो भाई बीस्ट, लिटरली बीस्ट आ गया हो जैसे हमारे सामने, इतनी प्यारी लग रही है बाइक। प्यारी वाला है इसी बाइक का रिव्यू, तो वीडियो पे बने रहना। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, और ब्लॉग देखने हो इससे जुड़े तो मुझे कमेंट करके बता देना, और चैनल पर देख लेना और आ जाएंगे अगर आपकी डिमांड होगी। तो इसकी ड्रैग रेस देखनी है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं इसके छोटे से स्पिन पर। यामाहा की 155 सीसी की बाइक आपके सामने है जो कि लेटेस्ट जनरेशन में है। इसकी पुराने वर्जन का भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अभी लॉन्च हुआ है नया वर्जन, तो आज हम नए वर्जन का ब्लॉग बनाने वाले हैं। कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो हम चलते हैं इस बाइक की छोटी सी राइड पे। तो थोड़ा सस्पेंशन टेस्ट करते हैं यहीं पर। ओ हो, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन इस बाइक में देखने के लिए मिल रहा है। इंटरेस्टिंग बाइक लग रही है यार ये, लिटरली मैं सही बताऊँ तो। इंटरेस्टिंग कैसे, तो इसका पिकअप अगर आपको मैं दिखाऊँ तो 0 to 60 कितनी सेकेंड में गई ये देखते हैं। इंटरेस्टिंग बाइक है लिटरली, काफ़ी फन वाली बाइक है यार ये। 2 मिनट में उठ के मतलब भाग लेती है। एंड इतनी हल्की है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका टर्निंग रेडियस अगर आप देखो तो पूरी ऐसे हैंडलिंग कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और अगर मैं जैसा बताऊं तो इसका मुझे वेट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी बाइक चाहता हूँ मुझे अपनी बाइक इसके आगे बहुत ज़्यादा हैवी लगती है। एंड मैं भी यहाँ बैठा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बस आगे ही आगे जाऊँगा मैं, इतना अच्छा इसका मुझे अभी टॉर्क लगा। मैंने आपको टॉर्क भी इसका टेस्ट करके बताया, ब्रेकिंग भी आपको मैंने दिखाई कि एकदम ही 90 से कैसे ब्रेक डाउन करते आई तुरंत। और पिकअप आपने भी देखा कितनी जल्दी इसने पकड़ा। और उसके साथ हम बात करें इसकी लाइटिंग की, तो इसकी लाइटिंग भी ऑन करते हैं। तो लाइटिंग हमने कर दी अभी इसकी ऑन। या देखो अपनी बाइक क्या आती है ना उसमें जल जाती है, इसकी लाइटिंग भी आपको देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी है। देखो अभी उजाला है अच्छा खासा, और इसमें भी अभी आपको ये बाइक की लाइट विजिबल हो रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि लाइटिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता। और उसके साथ साथ में जैसे कि अगर आप देखो तो ये बाइक अटेंशन ग्रैबिंग भी है, लोग बात मोड़ मोड़ के जा रहे हैं। ये बाइक में इस बार बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा चल रहा है हिमांशु भाई स्मार्ट लग रहा है अपनी बाइक पे। हिमांशु भाई अपने सब्सक्राइबर ही है, तो इस बाइक को आज हमारे पास अवेलेबल हो पाई हुआ है हिमांशु की वजह से। तो थोड़ा जरा साइड में चलते हैं, वहाँ चल के इसके बारे में बात करते हैं आपको। हाँ भाई, इस बाइक के पिकअप के बारे में क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। 150 सीसी में इससे ज़्यादा बेटर पिकअप तो क्या ही आएगा। और इतनी प्यारी DKS हैं जो ब्लैक लवर्स है ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, वॉलपेपर मिल जाएगा तुमको, इतनी बढ़िया लग रही है ये। और यहाँ पर आप देखो तो पूरा बहुत अच्छा खासा आपको फेयरिंग देखने के लिए मिलता है। इसका फेयरिंग ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब फेयरिंग वाली बाइक का होता है, लेकिन नेकेड बाइक के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको कुछ एक प्लेट्स ही मिलती है, लेकिन ये पूरा जितना भी आप देख रहे हो सब प्लास्टिक का है। यहाँ पर इसका फ्रेम जो कि ब्लैक कलर में है, और ये डिटेल्स नहीं दिखाऊँगा सॉरी। यहाँ पर इसका इंजन 155 सीसी का जो कि गर्म हो रहा है, और उसके साथ साथ में अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट, उस पर थोड़ी सी कार्बन फाइबर की फिनिशिंग भी आपको देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर इसका बैक टायर के सिर्फ पहले हम बात करेंगे फ्रंट लुक की। जरा थोड़ा फ्रंट लुक की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं इसका ये एनॉर्मियस लुक। यहाँ पर पूरा आपको ब्लैक आउट मिलता है, यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश, यहाँ पर मैट फिनिश। और यहाँ पर इसके दोनों टर्निंग इंडिकेटर जो कि हैलोजन मिलते हैं। यहाँ पर इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स, यहाँ पर इसका प्रोजेक्टर लैम्प जो कि LED है। तो यहाँ पर अगर आप देखो उसके बाद में आपकी नंबर प्लेट की यहाँ जगह मिलती है। उसके साथ साथ में यहाँ पर आपके इसके टेरेस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन एंड इसका ग्लॉसी ब्लैक कलर का या मडगार्ड, इस पर ABS की ब्रांडिंग मिलती है। इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है। एंड फ्रंट में बाहर के डिस्क ब्रेक जो कि फिर से गर्म हो रहे हैं। मैंने थोड़ी सी अभी आपको खींच कर दिखाई कि भाई इसकी कितना इसका टॉर्क आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे से ब्लैक कलर के आपको मिलते हैं एलॉयज। उसके बाद अगर हम पीछे चलें, उसके साइड में अगर हम देखें तो भाई पूरा ही लुक साइड वाइज बहुत ही प्यारा है। इस बार ये नए DKS इसमें देखने के लिए मिले हैं आपको, और ये थोड़ा इस बार फेयरिंग में भी डेवलपमेंट करा है इन्होंने, यहाँ पर वेंट बनाने की कोशिश करी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नए DKS MT15 वर्जन 2 के आई एम वेरी सॉरी। और यहाँ पर इंजन एंड इधर अगर आप पीछे की तरफ आते हैं तो इसका जो बैक का लुक देता है वो बहुत ही यार मुझे तो प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है लाइक शॉर्ट टिप्ड और बढ़िया बाइक, लाइक फन लविंग वाली बाइक, जिसमें अभी आपको कह रहा था जब चलाते मैं, फन लविंग बाइक है ये। और इसकी ये लंबी सी आपको इस बार इसमें देखने के लिए मिलती है, इसकी ये टेल टाइड ही जो कि पीछे आ जाती है काफ़ी पास में टायर के, और यहाँ पर इसका ये टायर हगर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर साड़ी गार्ड, और यहाँ पर अगर आप देखें तो पीछे भी ब्लैक कलर का अलॉय। और टायर के साइज़ की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है पिछली साइड जाना पड़ेगा, उधर हमें दिखाई देगा कि इसका टायर साइज़ क्या है। टायर साइज़ है 140/70 R17। और फ्रंट वाले की अगर हम बात करें तो वो है आपका MRF का टायर जिसका साइज़ है 100/80 R17। तो दोनों ही इसमें आपको 17 इंच के अलॉयज देखने के लिए मिलते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको देते हैं राइडिंग की। और अगर हम आते हैं यहाँ पर इसकी सीटिंग, तो सीटिंग तो भाई बहुत बढ़िया है। आप इस बाइक को लेकर अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हो क्योंकि इसकी सीटिंग काफ़ी नीची है, तो आपके घर वालों को बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। वेयरस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बाइक कहूँगा, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 10 लीटर का फ्यूल टैंक विद 40 से 50 का माइलेज बहुत ही प्यार से मिलने वाला है। और उसके साथ में आपको मिनट स्पीड दिखाई दी कितनी अच्छी इसमें मिलती है। यहाँ पर आपको राइडिंग क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलती है, पॉस्चर भी अच्छा है कि आपको कोई कमर दर्द या कंधों में दर्द नहीं होने वाला। वेयर अगर आप साइड में इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम देखें तो इसका है पूरा मीटर कॉन्सोल काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आप देखो तो गियर दिखाता है इंडिकेटर आपको, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपकी बाइक किस स्पीड पर चल रही है, यहाँ पर टाइम, RPM और यहाँ पर फ्यूल गॉज। और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कुछ सेलेक्ट और रीसेट का बटन है, इनसे आपकी बाकी सेटिंग्स की एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर RPM लिमिटर हिट होने का, यहाँ पर न्यूट्रल का, चेक इंजन की जो कि ये बंद है इसलिए जल रही है, यहाँ पर टर्निंग सिग्नल्स, डिपर और ABS की लाइट। इसमें भाई इसके मीटर कंट्रोल में बहुत अच्छे फीचर्स हैं। इन दो बटन से आप पूरा मीटर कंट्रोल में काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये बॉडी की जगह है आपका नाम जो भी A to Z है वो आए। और इसकी इन सेटिंग से यहाँ पर सेलेक्ट करके आप इसकी ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने आप से। वेयरएज अगर हम बात करते हैं रेटिंग देना इस बाइक के बारे में, इसकी डिज़ाइन को, तो मैं कहूँगा ये अराउंड 4/5 है। एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और एडवांस फीचर कह लो या बाकी बाइकों के हिसाब से द टर्न ऑफ, क्योंकि ये फीचर जो है इस बाइक को सबसे अलग कर देता है। तो हमारे हाथ में है फ़ोन, तो बाइक के पास में फ़ोन में इसका ऐप है, एंड इस ऐप में ये इसका माइलेज कितनी ये बाइक चली, इस बाइक की लास्ट ऑफ होने जहाँ हुई थी वहाँ की लोकेशन, सब कुछ डिटेल्स आपको इस ऐप में मिल जाती हैं इस बाइक की। इवन ये तक बता देगा अगर मैं और से स्टार्ट करूँगा तो किस RPM पे ये चल रही है, और नहीं तो जैसे कि इसकी GPS वगैरह लोकेशन वो ये रिमोटली भी बता देता है। ये बहुत अच्छा है। एंड यार ये चीज़ इस बाइक को बाकी सेगमेंट की बाइकों से बिल्कुल अलग और स्टैंड आउट करवा देती है इतना। फाइनली अब इसके बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो आपको मैंने बता दिया टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन में देखने को मिलता है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग के साथ में, क्योंकि गोल्डन कलर में बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड अट्रैक्टिव लग रहा है। पीछे की तरफ देखें तो आपको येलो कलर में इसका पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है, इसके डिस्क ब्रेक का यहीं पर आपको ऑयल चैम्बर भी मिलता है। और अगर आप यहाँ पर बात करते हैं इसका डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ इसकी हैंडल बार की, तो काफ़ी अपराइट सी हैंडल बार है, अच्छा स्टांस भी देती है। यहाँ पर आपको लाइट का एडजस्ट करने की, पास सर्च देने की, आप हॉर्न भी अच्छा मिलता है। और यहाँ पर देखो तो टर्निंग सिग्नल्स ऑपरेट करने की, किल स्विच, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये मिलता है इसमें सेल्फ का बटन। इसकी बात करते हैं तो इस स्विच को हमने कस्टमाइज लगवा रखा है, इसमें हमने लगवा रखे हैं हैजार्ड लाइट जो कि इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती है, हैलोजन बल्ब हैं, तो अच्छी क्वालिटी है। देखने अगर मैं डिसेंटली बात करूँ तो दूर से भी अच्छी क्वालिटी देते हैं, इसके साथ में पीछे से भी बहुत बढ़िया लगती है ये बाइक। इसी वजह से अगर आप मैंने अभी देखा जैसे कि आप देखो तो बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट करते हैं इसके ये इसमें। और